अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको उर्दू बे का दर्स नंबर 2 दे रही हूँ। जल्दी से अपनी उर्दू की अमली किताब निकालें और सफ़ा नंबर 73। अच्छा बच्चों, ये है वाव मदूला। नीचे दिए गए वाव मदूला के अल्फाज पर दायरे लगाएं और जुमले बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वाव मदूला क्या होते हैं, कौन से अल्फाज होते हैं जिनको वाव मदूला कहते हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ये अक्सर खे के बाद आते हैं, इन्हें वाव मदूला कहते हैं। जैसे अब ये देखें, जैसे ये खूबसूरत, इसमें वाव की आवाज़ आ रही है, ये वाव मदूला नहीं है। ख्वार, इसमें भी वाव की आवाज़ आ रही है, ये भी वाव मदूला नहीं है। बोतल, ये भी वाव मदूला नहीं है। खावन, ये भी नहीं है। तनख्वाह, हम तनख्वाह नहीं बोलते, तनख्वाह बोलते हैं, ये वाव मदूला, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे, ठीक है। आगे है खुश, ये भी वाव मदूला, खुश नहीं है, ये क्या लफ्ज़ है, खुश, ये भी वाव मदूला है। स्कूल, इसमें वाव की आवाज़ आ रही है, ये वाव मदूला नहीं है। खुशामद में भी वाव की आवाज़ आ रही है, ये भी नहीं है। ख्वाहिश, ये हम ख्वाहिश नहीं कहते, क्या कहते हैं, ख्वाहिश, इसमें भी वाव की आवाज़ नहीं आ रही है। फौजी, ये भी वाव मदूला नहीं है, ये भी वही लफ्ज़ है फौजी, ये भी वाव मदूला नहीं है। ख्वाजा, ख्वाजा नहीं कहते हम, क्या कहते हैं, ख्वाजा, ठीक है। खुद, इसमें भी वाव की आवाज़ आ रही है। खोल, इसमें भी वाव की आवाज़ आ रही है। खामखा, ख्वामखा नहीं होता, खामखा, इसको भी वाव मदूला में गिना जाएगा, ठीक है। अब ये अल्फाज जो मैंने आपको दायरा जिनके गीत लगवाया है, इन अल्फाज को इधर लिखें और इनके आगे से जुमले बनाएं, ठीक है। पेज नंबर 81 पर खाना काबा का मज़मून है, उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और उसको लिखना है, घर लिख के देखना है, अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।